नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेल प्रहरी के हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो वैसे तो जो रूल बुक आई थी उसमें हिंदी का कुछ भी डिस्क्राइब्ड एक डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से मैंने एक सिलेबस तैयार किया है, और उसमें जो प्रीवियस ईयर्स और एक्सपेक्टेड लेवल में दोनों को डिस्क्राइब करूंगा क्या क्या पूछा गया है। और प्रीवियस ईयर से यहाँ मतलब मेरा 2018 से है, बहुत ज़्यादा पीछे जाने का कोई मतलब नहीं होता। और क्या क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो यदि हम बात करें मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के हिंदी एग्जाम की जो सिलेबस की, हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या रहा, देखिए यहाँ पे हिंदी में संधि से प्रश्न पूछे गए हैं, और संधि से जो है 20 मार्क्स में लगभग 2 मार्क्स के जो है इसमें प्रश्न पूछे गए। उसके बाद जो है अगला जो टॉपिक आया है वो है समास, इसमें भी 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं, और सभी से लगभग 2 मार्क्स का पूछा गया अभी जो जितने में भी टॉपिक बताऊंगा। और उपसर्ग, प्रत्यय, फिर इसके बाद आता है रस के बाद यहाँ पे अलंकार है, छंद से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। ये सभी टॉपिक आपने देखे, जब मैंने एसआई के लिए क्लास ली है उनमें भी मैंने बताया है, कुछ टॉपिक रह गए हैं उनको मैं आगे जाके क्लियर कराऊंगा वहाँ भी। तो ये रस और अलंकार काव्य बोध के अंतर्गत आते हैं, इनको पूछा गया है वहाँ पे, लेकिन छंद के बारे में नहीं पूछा गया। फिर पर्यायवाची शब्द विचार जो है उसके अंतर्गत ये आता है, और पर्यायवाची शब्द से प्रश्न बने हैं, और इन सभी से 2-2 मार्क्स में प्रश्न बने हैं, सिर्फ 2-2 नंबर का यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ यदि हम बात करें, सॉरी यहाँ पे अलंकार से 1 नंबर में पूछा गया था। यहाँ पे 2 मार्क्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं विलोम शब्द, इससे भी 2 मार्क्स में पूछा गया है। शुद्ध रूप, शब्दों का शुद्ध रूप पूछा जाता है कि किसी शब्द का शुद्ध रूप क्या है, इससे भी प्रश्न पूछा गया है, और इसमें भी 2 अंक रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 15 मार्क्स की यहाँ तक बात हुई। फिर इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां, इनसे भी प्रश्न बने हैं, और 1 मार्क्स में ये भी आया था, 1 नंबर का ये आया था। इसके बाद आया अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ठीक है, इनसे पूछा गया। और बाकी इसके बाद मैंने विविध को नहीं लिया है, विविध जो है बचा हुआ उससे क्या है, कहीं कहीं पूछा गया कहीं कहीं नहीं पूछा गया, तो अलग अलग जो एग्जाम पैटर्न हुए, अलग अलग जो पाली में एग्जाम होते हैं अलग अलग शिफ्ट में, तो वो अलग अलग रहा। तो इनसे मैक्सिमम ये ऐसे टॉपिक रहे हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में। और बाकी यहाँ जो रेड जोन में रख रहा हूँ ये क्या है, विविध के प्रश्न भी हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। तो ये एक्सपेक्टेड लेवल है, ये संभावित प्रश्न है जिनसे पूछा जा सकता है इस बार, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। छंद जो कि काव्य बोध का एक हिस्सा है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। वाक्य अशुद्धि संशोधन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वाक्य अशुद्धि संशोधन यदि मैं कह रहा हूँ तो संपूर्ण व्याकरण को ये कवर करके चलता है, क्योंकि यदि किसी वाक्य में आपको गलती ढूंढना है तो आपको संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें वाक्य भेद की, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और विस्तृत वाक्य, इनमें अंतर पूछा जाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में इससे नहीं पूछा गया, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड लेवल है, संभावित प्रश्न है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें भाव पल्लवन, जिसको हम भाव विस्तार भी कहते हैं, हालांकि इनसे पारिभाषिक तौर पर प्रश्न बनते हैं, बहुत डिटेल में प्रश्न नहीं बन सकता है, क्योंकि ये वन डे एग्जाम है, MCQs पूछे जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद यदि हम बात करें अगले की, तो अगला है हमारा संक्षेपण, इससे भी संक्षेपण भी इसका विपरीत होता है, भाव पल्लवन का जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल विपरीत होता है संक्षेपण, तो इससे भी पारिभाषिक तौर पर प्रश्न बन सकते हैं। और अंतिम जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषी पत्र पत्रिकाओं की जानकारी, ठीक है, कौन सी, जो कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित हो रही है। ठीक है,
तो इतनी बात हुई, ये 17 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 20 मार्क्स आपके कवर हो सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप बात करो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा समावेश है, किसका? पहला तो व्याकरण का, और दूसरा है आपका शब्दावली का। यहाँ पे देखिए, यदि आप बात करो विलोम शब्द, शुद्ध रूप, वर्तनी के अंतर्गत आएगा, मुहावरे हैं, पर्यायवाचिक यदि आप बात करो, उपसर्ग और प्रत्यय, इनको देखिए, इनको आपको याद ही करना होगा, ठीक है, इन्हें आप याद करना होगा समझ कर, कैसे भी आप करें, और बाकी सारा आपका व्याकरण का ही पोर्शन है, ठीक है। तो काफी अच्छा समावेश है व्याकरण का और आपका शब्द रूपों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप कुछ प्रश्नों के प्रकार पर, देखिए जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न आपके सामने आया, देवता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि देवता शब्द जो है उसके पर्यायवाची शब्द कहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको सही दिख रहा है ऑप्शन बी, दूसरा जो ऑप्शन है, सुर मतलब भी होता है देवता, अजर मतलब भी देवता होता है, और देव मतलब भी देवता होता है। तो इस प्रकार से जब आपको, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदी में सामान्यतः बच्चों को समस्या नहीं होती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो इस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम से ही होते हैं, तो वो हिंदी स्पेशल पढ़ के आते हैं, तो ऐसा उनको लगता है कि हिंदी में हमें कोई समस्या नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा मान लेना एक ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी भी हो सकता है। तो हमें अपने ज्ञान को एक सही दिशा में लेकर जाना है, जो हमें पता है और जो थोड़ा बहुत हम भूल चुके हैं उसको याद करके हमें एग्जाम को क्रैक करना है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो दो सेशन में आपके ले रहा हूँ डेली, लैंग्वेज में आपके सबसे कम समय में सबसे सटीक और सही उत्तर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबको एक साथ देखने वाला, एक शब्द में ऐसे कौन सा शब्द है जो कि ये बताता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, ये प्रश्न है। तो सामदर्शी, समदर्शी, समानी या सामान। तो इसका सही उत्तर आप सभी जान पा रहे होंगे, क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है समदर्शी। तो इस प्रकार के आसान प्रश्न बनते हैं व्याकरण से, कुछ कठिन प्रश्न भी बन जाते हैं, कोई समस्या वाली बात उनमें नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नों को कुछ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संधि विच्छेद को पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो संलग्न है, संलग्न शब्द की जो संधि विच्छेद क्या होगी। देखिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, समधन लग्न, ये तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी यदि आपसे ये समझ नहीं आ रहा है, आपको नहीं बन रहा है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जब मैं आपको ये सभी टॉपिक कवर करा दूंगा तो आपसे ऑब्वियसली ये सारी चीजें बनने लगेंगी। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये मैंने आपको बताया। और अब एक बार फिर मैं आपको शेड्यूल बता दूं हमारी क्लासेस का। देखिए सुबह 8 बजे मैं आपको करंट अफेयर्स का सेशन लेके आता हूँ, जो कि जीके के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले साल जीके के 3 से 4 नंबर जो है करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। इसके बाद सुबह 9 बजे मैं आपको इंग्लिश लेकर आऊँगा, फिर 10:30 बजे हिस्ट्री की क्लास रहेगी, दोपहर में 2:30 बजे साइंस की क्लास रहेगी, फिर इसके बाद शाम को 4 बजे जो है एमपीजी की क्लास होगी, मानसी मैम लेगी, फिर यहाँ पे देखिए मैथ की क्लास शाम को 5 बजे शिवम सर लेंगे, और हिंदी की क्लास जो है रात में 9 बजे मैं लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल है। तो आज के सेशन में मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सिलेबस से अवगत कराना था। अगली क्लास में हम आरम्भ करेंगे हमारा सिलेबस। तो बने रहें प्रोग्रेस अकेडमी के साथ, और हम करेंगे जेल प्रहरी एग्जाम की पूरी तैयारी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।